एक लड़की ने हजारों मीटर गहरी खाई में छलांग लगा दी, लेकिन अगले ही पल वह हवा में तैरने लगी और सामने पहाड़ की गुफा की तरफ उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर उसके पीछे खड़ा झांग चुलान लगभग हैरान रह गया। असल में अगर किसी को आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो तो सबसे पहले उसे इस चुनौती को पार करना पड़ता है। झांग चुलान अभी हैरानी से संभला भी नहीं था कि एक और आदमी जो गंजा था भी खाई में कूद गया, मगर वह सीधे लोहे की रस्सी के साथ दौड़ते हुए पार कर गया। फिर एक अजीब सा सफेद बालों वाला शख्स आया जो बारीकी से चलते हुए उसी लोहे की रस्सी पर चल रहा था और देखते ही देखते सामने पहुंच गया। झांग चुलान की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, मगर तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल एक जोड़ा, एक लड़का और लड़की ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक झटके में उड़कर पार कर गए। इन सभी को अपनी कला का प्रदर्शन करते देख झांग चुलान को एक तरकीब सूझी कि क्यों ना मैं सामान के बैग में छिपकर पार कर जाऊं। लेकिन यह चाल तुरंत ही एक स्टाफ मेंबर ने पकड़ ली। झांग चुलान को डर के मारे कांपते देख बाऊजी ने तय किया कि वह उसकी मदद करेगी। चिंता मत करो, ये बस एक सपना है, ये सुनकर झांग चुलान कुछ शांत हुआ, लेकिन इस सपने ने उसे लगभग डरा ही दिया था। बाऊजी अब भी पैदल चलकर पार करने की तैयारी ही कर रही थी कि पीछे से एक व्यक्ति जो पक्षियों की मदद से उड़ रहा था ने उसे टक्कर मार दी और दोनों हवा में लटक गए। उसी समय जब झांग चुलान हैरान परेशान खड़ा था, एक लाल बालों वाला शख्स उड़ता हुआ आया, बाऊजी को पकड़कर सीधे दूसरी ओर फेंक दिया और झांग चुलान से कहा, चुलान कोशिश मत करो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मिनट में पार करवा दूंगा। झांग चुलान ने कहा, नहीं, खुद को पार ले जाना शर्मिंदगी की बात नहीं है, किसी से मदद लेना शर्मिंदगी है। आखिरकार झांग चुलान ने पूरी ताकत लगाकर खुद पार करने की कोशिश की और अंततः सफल हो गया। लेकिन अगला व्यक्ति तो हद ही कर गया, उसने सीधे 3 साल के बच्चे को दूसरी तरफ फेंक दिया, जबकि बच्चा कोई कला नहीं जानता था।